खास हरियाणा देखने वाले सारे दर्शकों ने सोनू बाली की राम राम। गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा अगर आह और सब तो पहला दर्शन हो गए भाई मंदिर के और काफ़ी बढ़िया फीलिंग आई। एक भाई का जो होम टूर है वो करांगे, पहले मैं कहूँगा कि दिखा दे भाई का घर और उसके बाद में के भाई ने इसमें करख्या है। वैसे दरवाज़ा में घुसते ही अच्छी फीलिंग आई है, बहुत बढ़िया वाली। वाजी वाजी वाजी। और जब आप प्रवेश करा हाँ तो उसके बाद में मछलियों के दर्शन हुआ है, आप थोड़ा सा नज़दीक से दिखा दे। हाँ, मेहमानों के लिए भाई यहाँ पर खाने की व्यवस्था, हमने भी यहाँ पर खाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ था। थोड़ा सा मैं दिखा दूँ कि भाई किस प्रकार का, क्योंकि भाई सूबेदार हैं तो एक बार ऊपरली तस्वीर दिखाऊँ और ये भी दिखा दी है साथ में। तो जो हमारे प्रधानमंत्री जी हैं उनके साथ में काफ़ी बढ़िया। तो अब उस चीज़ के आपने दर्शन करवावांगे, क्या बात है, जिस चीज़ की प्राप्त करके ना पूरा पूरा देश गर्वित है। हमारे प्रधानमंत्री जी के साथ में फोटो और यू गेस्ट रूम है भाई, आने वाले सारे मेहमान यहीं पे राष्ट्रपति जी के साथ में फोटो। तो आप देख सको भाई हर जगह। और तो अपनी भाई डिमांड है कि देसी भाषा में बता, तो ऊपर आ गए हम भाई दूसरी मंजिल पे। और ये कौन है? अच्छा पत्रकार हैं ये तो, चलो कोई बात नहीं भाई पत्रकार हैं, चलो कोई बात नहीं। ये देख सको भाई किस प्रकार से काफ़ी बहुत ज़बरदस्त यो पीछा का मोल आ गया है, दिखावांगे। भाई एक बात है जो हरियाणा के युवाओं की खास बात है, जिस चीज़ की ज़रूरत हो वो घर आए ही पैदा कर ले हैं, तो वो ये घर पर ही पैदा कर ले हैं। तो ये सारी चीज़ें दिखाने के लिए ही मैं ऊपर लेके आया हूँ कि जिस चीज़ की ज़रूरत है। वाजी वाजी वाह, यू है भाई जिम, गोल्डन बॉय की तैयारियाँ यहीं तक शुरू हुई भाई। जो भी इक्विपमेंट है इन्हीं का बेस पे किसी सरकारी सुविधा कब्रों से गोल्ड नहीं आया है, या मेहनत है जो घर का ऊपर स्थापित कराया गया जिम है इसी में मेहनत करी है और इसी का बलबूता अपने जो कंधे हैं मजबूत करे। और एक ऐसा जैवलिन थ्रो जो सीधा देश के नाम गोल्ड कर गया, यू जो होम टूर है यू इसीलिए मेरा मकसद था कि भाई मैं आपने दिखाऊं कि किसी सरकारी सुविधा के बिना ही भाई ने गोल्ड जीता है और घर पर ही सारे इक्विपमेंट खरीद के इकट्ठा करके ने सारा कुछ अपना दमखम दिखाया है। पूरा प्रैक्टिस करनी उराने के बाद किसे टेम भी सूबेदार हैं वो वहाँ पे भी प्रैक्टिस, घर आने के बाद में यहाँ प्रैक्टिस पानीपत जाए करते जी वो शिवाजी स्टेडियम में तो प्रैक्टिस के लिए वो शिवाजी स्टेडियम पर जाएगा। दूर था 20 किलोमीटर की दूरी बता रहे हैं उसकी, करीबन 15 किलोमीटर है उर्ता शिवाजी स्टेडियम। अच्छा, डेली अप डाउन था उसका,
डेली अप डाउन था। हाँ जी, शाम ने 4 बजे चले जाए थे, 8 बजे आओ थे शिवाजी स्टेडियम पर। तो इतनी कड़ी मेहनत करी कि जिसका परिणाम आपने खुद देखने को मिला है, और बहुते बढ़िया, जो पूरे गांव का नाम रोशन कराया है, पूरे देश का नाम रोशन कराया है, क्योंकि हर वो बंदा इस टाइम पे गर्वित है जिसका किसी न किसी रूप में नीरज चोपड़ा के साथ में संबंध रहा है। बहुत ही बढ़िया भाई ने काम करके दिखाया। और जो नीरज चोपड़ा का घर का होम टूर था भाई, वो आपने देख भी लिया है, बहुत बढ़िया भाई ने मुकाम हासिल कराया है। लेकिन एक टाइम था जब भाई के पास में पैसे की भी कमी थी, हर उस चीज़ का अभाव था जो एक यात्रा को सफल बनाना में अहम भूमिका निभावे है। लेकिन हर मुसीबत का सामना करते हुए कड़ी मेहनत, अथक प्रयास और परिवार का जो सपोर्ट है, जो संयुक्त फैमिली है, इस परिवार में 19 बंदे रहे हैं, इस घर में 19 बंदे रहे हैं, ज्वाइंट फैमिली है सारे के सारे, उसके चाचे ताऊ सारे के सारे, तो बहुत ज़बरदस्त सपोर्ट रहा है। और जो उसके चाचा जी ने बताया कि उसकी दादी को क्रेडिट जावे है उनके गोल्ड मेडल का, क्योंकि वो काफ़ी उसकी जो स्पेशल थोड़ा सा वो नहीं करा दिल के नज़दीक, उसकी दादी के काफ़ी दिल के नज़दीक रहे हैं नीरज चोपड़ा, और उसकी काफ़ी ज़्यादा चुरमा चारमा खड़ा के ने तैयार करे, और उसके बाद में जो देश का नाम गोल्ड आया है वो संभव हो चुका है। अब गांव का कोई भी युवा यह बात कह सके है कि मैं उस गांव पे हूँ जिस गांव का लड़का नीरज चोपड़ा गोल्ड मेडल देश के लिए लेकर आया, बहुत ही गर्व का विषय है। परिवार के सदस्यों का इंटरव्यू भी आपने देखने मिलेगा। वो नहीं आया था अभी भाई, जो गले में पहनने वाला मेडल है वो नहीं आया था, लेकिन और जो मेडल्स वगैरह हैं वो सारे आपने देख भी लिए हैं। मैं चाहूँगा भाई नीरज चोपड़ा के जो घर का होम टूर था वो आपने कैसा लगया, उसका बारे में प्रतिक्रिया ज़रूर दियो, और अपने जो विचार हैं नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर करियो। मिला है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सारे भाइयों ने जय हिंद, वंदे मातरम, जय जवान, जय किसान।